नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद् गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7 और 8 पर चर्चा करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधं द्विजोत्मा नाकामं संज्ञार्थं ताना ब्राविमीते। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को उनके प्रमुख योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं, ताकि अपने गुरु को उनकी ताकत का विश्वास दिला सके। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मेरे पक्ष के उन महान वीरों को जानो जो मेरी सेना के प्रमुख सेनानी हैं। तुम्हारे ज्ञान के लिए मैं उनके नाम बताता हूँ। भवान भीष्माश्च कर्णश्च कर्पश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमादातिश्च तथैव च। दुर्योधन इस श्लोक में द्रोणाचार्य को उनकी सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं के नाम बता रहे हैं, जिनमें द्रोणाचार्य स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमादत्ति शामिल हैं। जो इस श्लोक में नए नाम आए हैं, नए योद्धाओं के नाम आए हैं, आइए थोड़ा उन योद्धाओं के बारे में जान लेते हैं। कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य के बहनों ही थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त था। विकर्ण कौरवों के भाई थे। सोमदत्त बलराम के भक्त थे और एक महान योद्धा थे। यह सब बताकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना इन महान योद्धाओं के बल पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेगी। धन्यवाद। राधे राधे।